दोस्तों यह है न्यू कोंडली का, यानी कि दिल्ली में ही पड़ता है। यह न्यू कोंडली में ये स्मृति वन पार्क है। ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बहुत बड़ा पार्क है। अभी तक यहाँ पर पब्लिक अभी नहीं आई है। जैसे जैसे पब्लिक आने लगेगी आपको मैं सब दिखाने वाला हूँ। इस पार्क में क्या क्या होता है, इस ब्लॉग में आपको पूरा का पूरा पार्क दिखाऊँगा। ये करीबन ये पार्क 15-20 एकड़ के अंदर बना हुआ पार्क है। ये बहुत बड़ा पार्क है। आदमी इस आके इसमें जितना चाहे घूम सकता है, फैमिली के साथ आ सकता है, अपने जिसको चाहे उसको साथ ला सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रास्ता जा रहा है, ये बहुत दूर तक रास्ता जाता है। यहाँ से लेकर फेज 3 से लेकर न्यू कोंडली तक और नोएडा मोड़ तक ही इस पार्क का डी एंड होता है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ, आपको बहुत इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है और आपको ये पूरी वीडियो दिखाने वाला हूँ मैं। तो दोस्तों मिलते हैं लास्ट में वीडियो के। यहाँ पर ग्राउंड बना हुआ है, इस ग्राउंड में लोग बच्चे और लड़के सारे के सारे मैच खेलने के लिए आते हैं। कॉलेज वाले लड़के जितने भी होते हैं यहाँ पर मैच खेलने के लिए आते हैं। बहुत लंबा चौड़ा ये ग्राउंड है। तो आगे आपको दिखाते हैं इस पार्क में और क्या चीज़ है, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। ये इसी पार्क के अंदर यानी कि वन के अंदर ये सब कीकर है। कीकर यानी कि गांव की भाषा में इसको कीकर बोलते हैं। यहाँ पर सब में देख सकते हैं सारा कीकर का पेड़ है। बहुत दूर तक आपको कीकर का पेड़ देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छा बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर घास वगैरह सब कुछ है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारा कीकर का पेड़ यहाँ पर मिलेगा। और जहाँ तक निगाह जाएगी अभी ये खाली वन की तरह पार्क है। आगे जा के देखते हैं इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। कुछ देर बाद इसमें फैमिली वगैरह सब आएंगी तो आपको फैमिली भी दिखाने वाले हैं किस तरीके से कौन कौन आता है। इस पार्क के अंदर क्या क्या इंतज़ाम है लोगों के लिए, बैठने की कितनी अच्छी सुविधा है। वैसे इस पार्क में बहुत अच्छी सुविधा है, गार्ड भी हैं, सब कुछ है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस ब्लॉग में हम आपको यही सब दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर लोग मौज मस्ती करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं और बहुत अच्छे से अपना टाइम पास करके चले जाते हैं। तो ये बहुत दूर तक
ये पार्क है। तो दोस्तों आगे देखिए वीडियो को। पार्क को पार करने के लिए झील है इधर। अभी हम आ चुके हैं उस ग्राउंड में जहाँ पर शाम के टाइम फैमिली और सब लोग यहाँ पर बैठने के लिए आते हैं और बैठकर गप सप मारते हैं। तो वो सामने जैसे कि देख सकते हैं जिम करने के लिए पूरे की पूरी व्यवस्था इस पार्क के अंदर है। तो शाम को इंतज़ार करते हैं कितनी पब्लिक इस पार्क में आती है।